हम इस वीडियो में दो अलग अलग तरीके बताएंगे जिससे कि बच्चे बहुत ही आसानी से लेटर्स और नंबर पहचान और याद कर सकते हैं, और इससे आप बच्चों को बहुत देर तक बिजी भी रख सकते हैं। पहली एक्टिविटी के लिए कुछ नंबर्स या लेटर्स पेपर पर लिखिए और सेम नंबर लेटर आप दूसरी जगह या तो बोर्ड या किसी पेपर पर लिखिए और ग्लू लगा दीजिए। ग्लू लगाने के बाद बच्चे को बोलिए कि पहले वो ढूंढे कि वो नंबर लेटर कहाँ है और फिर सेम प्लेस पे वो स्टिक करे। यह बहुत ही अच्छी शारीरिक और मानसिक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी से बच्चे खेल खेल में ही नंबर्स लेटर्स पहचानना सीख सकते हैं। इस एक्टिविटी को आप अलग अलग तरीकों से इंटरेस्टिंग बनाते रहिए। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कभी आप चार्ट में स्टिक करने के लिए बोलिए, कभी बोर्ड में लिख दीजिए, कभी पेपर में लिख दीजिए, और धीरे धीरे इस एक्टिविटी को बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट बनाते जाइए। जब बच्चा स्टिक कर रहा है, सेम टाइम आप पूछिए कि कौन सा लेटर या नंबर वो स्टिक कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पी स्टिक कर रहा है तो पी फॉर वॉट। इससे बच्चा कम से कम आधे घंटे तो बिजी रह सकता है। इस एक्टिविटी को कठिन बनाने के लिए बच्चे को ग्लू दे दीजिए। अब पहले बच्चे को ग्लू अप्लाई करना है, उसके बाद राइट प्लेस पे स्टिक करना है। दूसरी एक्टिविटी के लिए हम इस वीडियो में लेटर बी और डी को टारगेट किए हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो बी और डी से स्टार्ट होती हैं उनमें इन पेपर के पीसेस में बी या डी लिख के हम छुपा दिए हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अब बच्चे को उस चीज़ों को ढूंढनी है और पहचाननी है कि वो क्या चीज़ें हैं और किस लेटर से स्टार्ट होती हैं। बी फॉर What is this? Get. Mutton. B for? Mutton. What is this? Bucket. What is that? Wow. B. B. B for what?
बादल। Divo? What is this, Kara? Bucket. Okay, tell me, what is this? Bowl. B for? Bowl. This one, B for? Blue. This one, B for? Red. This one, B for? Baby. This one, B for? Bottle. This one, B for? Bottle. This one, B for? Oh. This one, this one. Yeah. What is this? B for? Look at here, baby. What is this, B for? Real. Very good. And this one, B for? Bottle.